जी तो ये मैं हमारे पास 1 किलो मैदा है, ऊपर उठाओ बेटा, ये 1 किलो मैदा ही मैंने शॉपर खोल लिया इसका। हाँ, अब 1 किलो मैदा के हम बनाएंगे। अब देखते हैं इसमें हमारे पास कितना मैदा है। मेरे जो ऑलरेडी वीडियो मौजूद है पिज़्ज़ा की, वो 7 कप ऑफ मैदा, उसमें मैंने 3 बड़े पिज़्ज़ा बनाए थे, लार्ज वाले। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था पिज़्ज़ा घर में, तो मैंने 4 लार्ज पिज़्ज़ा बनाए थे और मैंने 1 किलो में बनाए थे, तो ये हो गया 1 कप। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियो आप इतनी लंबी कर देती हैं, तो लंबी करूंगी तो आप लोगों को समझ आएगी ना, जो लंबी ना कर सकते समझ के थोड़ा सी। ये हो गया 2। मैं आपको इस तरह पता भी चल जाएगा कि 1 किलो में कितने वो हैं कप। ये 3 जी। तो यहां मैं तकरीबन डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक। तो जो हमने मैदा, मैं आपको कह रही थी मैदा मैंने मेजर किया है, मैं छाना है फिर छान के, तो ये 1 किलो में तकरीबन 6.5 6.5 के करीब कप थे, तो मैंने थोड़ा और इसमें डाल के 7 कप कर दिया है। और 7 कप में आपके इंशाल्लाह बन जाएंगे बड़े 3 लार्ज पिज्ज़ा फुल साइज, ठीक है, जो आपको मिलते हैं ना बाजार में, वो वाले नहीं, उससे भी बड़े। ये देखिए मैं यीस्ट यूज़ कर रही हूँ, ये मैं 2 पैकेट यूज़ करूँगी। आपका अगर खमीर ज़्यादा होगा ना, तो आपका जो ब्रेड बनेगी पिज़्ज़ा की, वो बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट बनेगी और बहुत ज़्यादा फूलेगी भी। लंबी वीडियो बनाने का सिर्फ एक वो होता है कि आप लोगों को सही समझ आ जाए। यहां मैं डाल दिया मैंने 2 टेबल स्पून के करीब चीनी, ठीक है, और हम तेल यहां डालेंगे 2 टेबल स्पून। तेल थोड़ा बहुत कम ज्यादा आप कर सकते हैं, करना है अगर, क्योंकि तेल का जो मेन काम होता है ना, इसको सॉफ्टनेस पैदा करता है। ये हो गया, अब हम इन चीजों को मिक्स कर लेंगे जी। तो ये मैंने मिक्स कर लिया इसको, अब गरम पानी से हम इसकी डो तैयार करेंगे, नॉर्मल जो गरम कोसा पानी होता है ना, वो वाला। अच्छा, ये मेरे पास पेस्ट्री बनाने का, जिस तरह पेस्ट्री बना सकते हैं, डो भी बनाते हैं इससे, ये भी है, लेकिन मैं हाथ से ही काम करूंगी और आपको हाथ से ही सिखाऊंगी कैसे बनाना है। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे जी, तो ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा, ऊपर उठाओ बेटा, इसको मिक्स करती जा रही हूँ जी। तो ये हमने अपना मैदा जो है उसको मिक्स कर लिया था, अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये कंप्लीट मिक्स नहीं हुआ, लेकिन अब मैंने काउंटर टॉप पे इसको निकाला है आपको दिखाने के लिए कि अब आगे इसके साथ कौन सी कुश्ती लड़नी है। ये बस इसको ऐसे मसलना है, ये बिल्कुल जो नजर आ रहे हैं ना आपको, बिल्कुल ये स्मूद हो जाएगा और सही जोर लगा के जेड़ा गुस्सा अपना इस कट गए ना, जरा जा मियाँ ना लड़ाई हुई है, किसी और ना लड़ाई हुई है, वो सारा गुस्सा इस कट गए ना, उसका तो कुछ नहीं आख सकने हो तुसी। यस, अगर आपको पानी की जरूरत पड़ रही है, ऐसे जोर से मारे इसको, आहा क्या बात है, ऐसे देखा कैसी आवाज आई है। और आप देख सकते हैं कि इसको 4-5 बार हमने पटखा है, तो देखें ये थोड़ा अब हो रहा है, तो हम ऐसे ही पटकते जाएंगे। ये जो पिज्जा बनाए जाते हैं ना बाजारों में, हम जाके खाते हैं, उनमें असल चीज भी नहीं डाला जाता, अगर आपको पता हो तो। वो व्हाइट सॉस बनाते हैं, उसमें चीज डालते हैं और जी वो ऊपर डाल देते हैं, और हम पागलों दीवानों के साथ बैठ के पागलों दीवानों की तरह खाते हैं जी, ये फलाना पिज्जा तो ये टिंगाना पिज्जा। ये खुद जब बंदा बनाए तो मजा है ना, और मजा इसी में है कि आप खुद बनाए, दिल भी ठंडा हो इसी वो सकड़ के है। देखें आप, मैं 5 मिनट और ऐसे ही करूंगी, अब लंबी वीडियो हो जाएगी, 5 मिनट और इसके साथ कुश्ती लड़ेंगे, उसके बाद इसको मैं 1 से 1.5 घंटा रखूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ जी। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट की कुश्ती के बाद ये कोई इसकी
जो शक्ल बनी वो ऐसी देख, कितना स्मूथ हो गया है और बहुत पटखा इसको ऊपर से तले नीचे से ऊपर सब का। तो अब हम इसको डालेंगे, कोई भी हमारे पास बोल है मैंने उसको ग्रीस कर लिया है, इस बोल को ऊपर करो बेटा। तो ये अब हम इसमें डालेंगे, इसके ऊपर हम लगा देंगे तेल। और कोई भी गीला टॉवल, आपके पास गीला कपड़ा है, टॉवल जो भी है, वो इसके ऊपर हम इस पर रख कर ऐसे पूरा डाल देंगे, उसके ऊपर एक कैप रख देंगे और इसको किसी भी चूल्हे के करीब जगह या कोई गर्म बंद जगह है वहां रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। देख सकते हैं मैंने ये कपड़ा ले लिया, इसको मैंने गीला करके खूब निचोड़ लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, गीला करने से आपका जो डो है वो जल्दी राइज होगा और आपका काम भी जल्दी होगा और आपका डो बहुत अच्छे से राइज होगा और अच्छा बनेगा वो आपका पिज्ज़ा। तो ये मैंने इसका कैप लगा दिया, अब मैं इसको रख रही हूँ 1 से 1.5 घंटा। जी तो 1 से 1.5 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो बोल है मेरा, अच्छा खासा बड़ा बोल है, और अब देखें कैसा ये फूल गया है। ये देखें, या आप जो जिस तरह मैंने बताया है उस तरह अगर आप डो तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कितना अच्छा डो राइज होगा। अच्छा, अब हम इसको इक्वल 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ट्रे जो मैं, और इस तरह इस डो से हम 4 लार्ज पिज़्ज़ास तैयार कर लेंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।